बेस्ट लिवर टॉनिक कौन सा है? टॉप थ्री बेस्ट लिवर टॉनिक इन इंडिया कौन सा है? आप बताइए लिवर को अच्छा रखने के लिए बेस्ट लिवर सिरप कौन कौन सा है? बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, कमेंट्स में आया है, इसका जवाब भी देना मुश्किल है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लिवर टॉनिक मौजूद है। जी हाँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको टॉप थ्री लिवर टॉनिक जो डॉक्टर को पसंदीदा और रिव्यू देख के हमने डिसाइड किया, टॉप थ्री छोड़ के भी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉनिक है जो इस वीडियो का लास्ट में हमने बताया, इसीलिए इस वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। क्या आप अपना लिवर के बारे में चिंतित है? क्योंकि लीवर वो अंग है जो भोजन को पचाने, अवशोषित करने और संसाधित करने के लिए अग्नाशय और आंतों के साथ मिलकर काम करता है। ये शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग में से एक है जिसे लंबे जीवन के लिए उचित देखभाल और सुरक्षा का आवश्यकता है। ये प्रोटीन भी बनाता है जो रक्त को थक के जमने और अन्य कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। खून का फिल्टर भी करता है। लेकिन कोई बीमारियां और खराब खान पीन के चलते आपका लिवर बीमार हो जाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, यकृत कैंसर, पित्ताशय पथरी, यकृत का काम करना बंद कर देना, हेमोक्रोमाटोसिस, इस टाइप का बीमारी आ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पुरुष और महिलाओं को दोनों के लिए भारत में टॉप थ्री बेस्ट लिवर टॉनिक के बारे में चर्चा करें। पहला वाला तो बहुत ही पॉपुलर है और डॉक्टर का पसंदीदा बना हुआ है, और दूसरे वाला भी बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, और तीसरा वाला तो काफी अच्छा रिव्यू देने वाला। खाली लिवर टॉनिक ही नहीं है, इसको छोड़ के भी कई सारा काम करते हैं जो हम वीडियो का लास्ट में बताएंगे। आप हमारा इस वीडियो में बने रहना क्योंकि इस वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और फायदा देने वाला होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका साथ साथ दूसरा भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। पहला वाला है लीफ 52 सिरप जो कि 100% आयुर्वेदिक है और हिमालय कंपनी द्वारा बनाया गया। ये 100 ml का कीमत है 110 रुपया और 200 ml का कीमत है 182 रुपीस। ना मिलने का स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट में मंगा सकते हो। लीफ 52 सिरप खाली सिरप ही नहीं, ये टैबलेट और ड्रॉप्स में भी अवेलेबल है। लीफ 52 सिरप इस काम में आता है। लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी के लिए लीफ 52 सिरप रामबन जैसा काम करते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगने का समस्या है, खाना तो है लेकिन भूख ना लगने का कारण आप खाना नहीं खा पा रहे, तब भी ये सिरप दिया जाता है। लीफ 52 सिरप का उपयोग हेपेटाइटिस का बीमारी को ठीक के लिए भी किया जाता है। अगर आपका शरीर में खून का कमी हो यानी कि एनीमिया जैसे बीमारी हो गया, तब भी लीफ 52 सिरप बहुत फायदेमंद साबित होता है। पीलिया के मरीज के लिए भी लीफ 52 सिरप का यूज होता है। इसके छोड़ के भी बहुत सारे बीमारी में आपको ये सिरप दिया जाता है। इवन सर्दी खांसी बुखार के लिए भी 7x7 लीफ 52 सिरप दिया जाता है ताकि आप खाना खा पाओ, आपको लीवर अच्छा तरह से काम करे, आपको अच्छा पाचन शक्ति बना रहे। वाह क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। भाई लीफ 52 सिरप लेने का क्या है, डोज क्या है, इसका लेने का जो है डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, लीफ 52 सिरप जो है 16 साल से लेकर 50 साल का जिसका उम्र है, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, वो सुबह और शाम को कुछ खाने का बाद 10 ml करके लिया जाता है। डॉक्टर कोई को भी खाने बाद या खाने का पहले भी देने का सलाह देते हैं, ये डिपेंड करता है। जिसका उम्र 11 से लेकर 15 साल का बीच में है उसको 7.5 ml BD दिया जाता है। जिसका उम्र 6 से लेकर 10 साल का बीच में है उसको 5 ml BD दिया जाता है, और जिसका उम्र 2 से लेकर 5 साल का बीच में है उसको 2 ml BD देने का सलाह दी जाती है, और जिसको उम्र उससे भी छोटा है उसको सिरप नहीं देते हैं। जैसे 6 महीना से लेकर 2 साल का बीच में है उसके लिए ड्रॉप दिया जाता है। तो कितना देना पड़ेगा वो आप प्लीज डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।
अगर लीफ 52 सिरप के बारे में अगर आप डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और जो लोग शुगर का बीमारी से ग्रस्त हो वो प्लीज सिरप ना ले, उसका जगह में लीफ 52 टैबलेट ले। इसका लीफ 52 टैबलेट के बारे में डिटेल्स जानकारी के लिए प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना, यहाँ से पूरा जानकारी मिल जाएगा इसमें क्या क्या कंपोजिशन है। ये टोटली आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से भरपूर एक सिरप है जिसमें हिमसरा है, कासानी है, मंदूर भस्म भी है, काकामाची है, अर्जुना है, कासामर्दा है, जबुका है। अभी हम आ जाते हैं दूसरा बेस्ट लिवर सिरप के बारे में, नाम है एमलिक्योर डीएस सिरप, जो कि एमिल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया है और 200 ml का सिरप का कीमत है 265 rupees। ना मिलने का स्थिति में नीचे आप डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट पे मंगा सकते हैं। इसका प्रयोग किया है जिसका लीवर ऑलरेडी कमजोर हो गया है, पाचन शक्ति कमी हो गया है, खाना पीना खा नहीं पाते हैं, भूख नहीं लगते हैं, खाना ना खाने का कारण एनीमिक बन चुके हैं, खून का लेवल कम हो गया है, उसको डॉक्टर ए सिरप लिखते हैं। जिसको पीलिया हो गया है या आंखों का नीचे जो पीला पीला नजर आते हैं, स्किन थोड़ा सा हल्का सा पीलापन नजर आते हैं, पेशाब में भी पीलापन आ जाता है, उसको भी ये सिरप दिया जाता है। लीवर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो एम्लिक्योर डीएस बहुत ही बढ़िया सिरप का तौर पे वर्षों से काम कर रहा है। इसका डोज क्या है, जिसका उम्र 16 से लेकर 50 साल का बीच में है वो 10 ml बीडी लेंगे, जिसको उम्र 11 से लेकर 15 साल का बीच में है वो 5 ml बीडी लेंगे, और जिसको उम्र 5 से लेकर 10 साल का बीच में है वो 3 ml बीडी लेंगे, और जिसको उम्र 2 से 5 साल का बीच में है वो 2 ml बीडी लेंगे। ये सिरप खाने का बाद भी दिया जाता है, खाने का पहले भी दिया जाता है। कैसे देना है आप इसके बारे में प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये मरीज का डिजीज कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इसको उम्र 6 महीने से 2 साल का बीच में है उसको क्या करें, उसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े। और जो लोग ऑलरेडी शुगर से पीड़ित है उसके लिए क्या करें, उसके लिए ये सिरप ना दे, आप इसका जो लीफ 52 टैबलेट है वो दे दीजिए। एम्लिक्योर डीएस सिरप का क्या कंपोजिशन है, आपको आंवला मिल जाएगा, अश्वगंधा मिल जाएगा, तुलसी मिल जाएगा, हरीतकी मिल जाएगा, भृंगराज मिल जाएगा, अजवान, बहेड़ा, मकई, एलोवेरा, ज्येष्ठमधु, मूली, सुआरेस, गिलोय मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितना हाई प्रोफाइल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से ये बना हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया लीवर टॉनिक का रूप में काम कर रहा है। अगर आप एम्लिक्योर डीएस के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें पूरा के पूरा जानकारी दिया हुआ। तीसरा वाला अभी बहुत ही पॉपुलर हमारा पसंदीदा बना हुआ है, नाम है जिग्रीन सिरप। जी हाँ, ये एक यूनानी सिरप है जो कि हमदर्द कंपनी द्वारा बनाया गया और 200 ml का कीमत है 90 rupees और 100 ml का कीमत है सिर्फ 75 rupees। ना मिलने का स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी मंगा सकते हो, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। ये जिग्रीन सिरप जो है इसका यूज क्या है, फायदा क्या है, ये ऐसा एक सिरप है, ये लीवर को कोई भी बीमारी के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। इतना ही नहीं, लीवर विषाक्त हो गया है, आपने ज्यादा अल्कोहलिक चीज लेने का बाद अल्कोहलिक बन चुके हो, बीमारी से काफी दिन से ग्रस्त हो, तब भी डॉक्टर ये जिग्रीन सिरप देते हैं, जो कि जो टॉक्सिक पदार्थ है वो लीवर से ये निकाल के बाहर फेंकता है। ये आपको भूख बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, आपको पाचन शक्ति कम हो गया है तब भी इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में आप भूख चुके हो तब भी आपका मल द्वार में कोई प्रेशर ना देके बड़े आराम से स्मूथली ये मल क्रिया करने में आपको हेल्प करता है। इतना ही नहीं, आपको जो लीवर का जो भी डिजीज है, चाहे वो पीलिया हो, हेपाटाइटिस हो, या लीवर का फैटी लीवर हो गया है, लीवर इन्फ्लेम हो गया है, तब भी ये सिरप बहुत बढ़िया काम करते हैं। कभी डोज बता दीजिए, जिसका उम्र 16 से लेकर 50 साल का बीच में है, चाहे जेंट्स हो चाहे औरत, उसको 10 ml बीडी दिया जाता है। डॉक्टर कभी कभी मरीज का कंडीशन देख के उसको 3 बार भी कर सकता है। और जिसको उम्र 11 से लेकर 50 साल का बीच में है उसको 5 ml बीडी दिया जाता है। जिसको उम्र 6 से लेकर 10 साल का बीच में है उसको 3 ml बीडी दिया जाता है। और जिसको उम्र 2 से लेकर 5 साल का है उसको 2 ml बीडी दिया जाता है। और इससे छोटा बच्चा के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या मिला हुआ है,
देखिए ये टोटली यूनानी दवा है, जैसे कि ये बर्क संभालू, तुखम कासनी, बर्क झाऊ, मको खुश्क, कटेली खुर्द, नौसादार, मजीट, रेबत चीनी, बादायन, तुखम कसूस, गुले सुर्ख, फिलफिल सिया, अर्जुन, सरफोका, भांगरा, कालमेघ, बिरंजसिक, ये सभी अच्छे अच्छे हर्बल जड़ी बूटी से बना हुआ लिवर टॉनिक है। ये छोड़ के भी कुछ दूसरा ब्रांड भी जो पॉपुलर है, जैसे कि लिपपीट है, लिवोसिन सिरप है, डी लिवर सिरप है, लिवा सेप सिरप है, और भी बहुत सारे सिरप है। आपको अगर जिग्रीन सिरप के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज इस वाला वीडियो देख लेना, इसमें पूरा जानकारी मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारे इंफॉर्मेशन अच्छा लगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। हमारा और एक चैनल है हेल्थ रिलेटेड हेल्दी माइसेल्फ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाए और लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो पाए। और आपका स्वास्थ्य हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कई लोग बोलते हैं जो भाई हमारा लिवर का प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी जानना चाहिए, तो प्लीज आप राइट वाला वीडियो देख लेना। कई लोग बोलते हैं जो भाई आयरन का कमी है, तो कोई वीडियो है तो बताइए, तो लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।